मुझे पता कैसे देखनी है कि आप पता नहीं ऑन की करेगी। कुकिंग करना तो यार बहुत आसान काम है यार, ये मुश्किल काम है। और किसी मसाले के फिर लगाऊंगी। मैंने कहीं खराब तो नहीं कर दी? कितना कितना हेल्दी मेरा रोज़ है। Welcome to Office's YouTube channel and welcome to new vlog. So, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। So, आज हम लोग बनाने लगे हैं इफ्तारी, लेकिन आज थोड़ी सी बड़ी डिफरेंट सी इफ्तारी बनानी है। मैं खुद बनाऊंगी, थोड़ी सी अम्मा की हेल्प लूंगी। तो आज हम बनाएंगे मटन पुलाव, तो लेट्स गो। तो यार मैंने मम्मा को बोला है कि आज पूरा पुलाव जो है मैं बनाऊंगी, आप कुछ नहीं करेंगी। लेकिन अभी लिटरली मैं किचन में आई हूँ एंड मैंने मम्मा ने प्याज ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। इसके अंदर जो हमने मटन बनाना है वो बन के रखा हुआ है और मुझे आगे कुछ नहीं पता क्या करना, तो मुझे मम्मा की हेल्प चाहिए होगी। मम्मा बल्कि नहीं, यूट्यूब से रेसिपी देखते हैं। नहीं बनना ना तुझसे मेरी हेल्प के बगैर। नहीं, और मैंने सोच लिया यूट्यूब से वीडियो देखूंगी, तो आराम से बना लूंगी। कैसे आराम से बनाओगी, तुझसे नहीं बनेगा यार। ना मम्मा आपने नहीं कुछ करना, मेरा फायदा मैंने बनाना यार। मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक है। तो गुड गर्ल आप आज रेस्ट करें। आज तो ये मेरी अच्छी बेटी ही बनाएगी, थोड़ा सा मैं देखती ही रहूंगी, तुम बनाती रहना, थोड़ा बहुत बताऊंगी, सारा तुम बनाओगी। चलो ठीक है यार, मम्मा आज सुपरविजन करेंगे और मैं बनाऊंगी। अच्छा तो सबसे पहले जो हमारी रेसिपी है वो है देचकी में हम डालेंगे ऑयल, राइट? ऑयल डालेंगे विद प्याज, सही बताया? मुझे इतना तो पता है यार, इतनी भी नई हूँ आजकल, मैं कुकिंग सीख रही हूँ। सबसे पहले चावल को होते हैं, वो मैंने अभी नहीं भुगोए तो वो रबिया भुगोएगी। इससे पहले हम लोग जो चावल को पानी के अंदर डालते हैं और चलो इसकी मेन चीज है चावल नापते हैं फिर उतना। हाँ तो कितना डालेंगे? टू बाउल चावलों का डाल लो। आपने कहा था आप बताएंगे, आप कुछ करें, आपने टच भी नहीं करना कुछ। नहीं मैं टच नहीं करूं। मम्मा बड़ी जाकर आगे सारे काम कर रही है। ये लो पानी कितना डालना है वो तो बताना है। मम्मा मुझे पता है, एक मिनट। ओहो ये पूरा बाउल आ गया, एक और दूसरा भी निकाले। ले पूरा है, अच्छा कम है, इसको ज्यादा भर दे, पूरा भर दे। हमने सिर्फ एक बाउल ही बनाने। चल ओ मम्मा देखे आपने गिरा दिए। चल ये पूरा एक बाउल चावल, आगे चलते हैं। तो यार हमने ये भिगो दिए, अब आ रही है प्याज को फ्राई करने की। मम्मा मुझे ऐसे गुड़ गुड़ करना, देखे मम्मा मुझे पता कैसे देखनी है कि पता नहीं ऑन की करेगी, किचन सारा खराब करेगी। चलो इसमें डालते हैं अब ऑयल, पहले हम चूल्हा जलाएंगे। तो यार मुझे समझ ही आ रही, मैंने ये इतना ऑयल डाला है। मम्मा एक मिनट आके चेक करना, मुझे पता चला मैंने गलत डाला। मम्मा मैंने मम्मा बताए सही डाला है मैंने। चलो प्याज डालो जल्दी। ठीक है यार इसके अंदर हम डालते हैं प्याज, इसको मैंने गरम कर दिया। अच्छा बिस्मिल्लाह। चम्मच देखो, ओह चम्मच दे जल्दी से। तो चलो इनको करते हैं फटाफट से फ्राई। कुकिंग करना तो यार बहुत आसान काम है, बच्चों को पढ़ाना ही मुश्किल नहीं है, जब छोटे से होते हैं उनको पढ़ाना। एक ही चीज खाना भी वही एज है, कुकिंग भी आनी चाहिए यार मुझे, मैं अपने लिए खुद खाना बना सकती हूँ उससे। तो गाइस मम्मा मेरे अभी भी सर पे खड़ी है। मम्मा आप चली जाओ प्लीज। जा रही हूँ मैं इधर टमाटर काट रही हूँ। 1 2 3 टक। सो हमारे टमाटर कट चुके हैं, अब हमारे जो प्याज है वो भी ब्राउन हो चुके हैं, मुझे लगा ज्यादा हो गए। मम्मा जी अंदर में टमाटर डाल दूँ आप? नहीं पहले प्याज फ्राई करने। मम्मा फ्राई हो गए देखें? नहीं ये देखें फ्राई हो तो गए, ब्राउन हो गया फुल। डाल दूँ? नहीं अभी नहीं, अभी अभी नहीं। यार ये मुश्किल काम है। अच्छा हमारी मम्मा ने जो है ना जो गार्लिक एंड जिंजर है उसको जो है ना फुल फ्रीज करके रखा हुआ है। यम्मी से हो गए हैं ये हमारे मरहला। अच्छा एक मिनट मम्मा पानी डाल दी। मम्मा पानी क्यों डाल लें? अंदर ठीक है डाल। ओके ओके ओके, ये क्योंकि बाहर छींटे आती हैं। लो बड़े ध्यान से एहतियात से छींटे आती है, हाथ भी जल सकता है। ठीक है फिर जब पानी डालना है पीछे हो जाना, ऊपर कैप दे देना है। अभी ये तो मामी डलेगा, ये भी डलेगा। मम्मा एक मिनट आप हट जाइए, मैंने करने हैं ना यार। ये हमारा भूकंप आ चुके हैं, अंदर आग लगी हुई है और ये हमने डाल दिया है लहसुन अदरक। और की करना है अपनी जी, ए डालना है ये डालना है अंदर, डाल दूं? ओके गाइस अब हम डालेंगे टमाटो। बिस्मिल्लाह गरम गरम ये हमने जो है अंदर डाल दिया। सारी घरेलू लड़कियां मेरा व्लॉग देख रही हैं और पुलाव बनाना सीख लो, मैं भी सीख रही हूँ। सो गाइस ये हमारा जो है फुल भुना जा चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे पुलाव मसाला और किसी मसाले के। मम्मा सॉरी, मम्मा मेरे सर पे खड़ी है ना, मैं कोई मजाक ना करूँ। मम्मा मुझे बता रही है ये डालना है वो डालना है। अब हम इसमें डालेंगे पुलाव मसाला। मम्मा कितना डालूं? सारा ठीक है इसमें हाफ डाल देते हैं। तो साडा मसाला जो है डल चुका है तो असि इनू मिक्स कर देंगे। गाइस मम्मा ने इसके अंदर जो है ना आलू बुखारा और इमली भी डाल दिया। मम्मा पुलाव में नहीं डालना था यार, हमने दूसरे टाइप का बनाना था, थोड़ा लवाई थी। लेकिन लोग डालते हैं इमली भी आलू बुखारा भी, तो मजे का लगेगा। पता क्या बनना है? क्या? बिरयानी पुलाव मिक्स। तो ये हमारी बिरयानी पुलाव मिक्स बन रही है।
तो यार मम्मा ये वाला काम मुझे नहीं करने देनी, कह रही है चिकन मैं खुद डालूंगी। कर लो या काम कर लो तुम कैमरे में। चले मैं लोगों को रेसिपी बताती हूँ, आप डाले। मम्मा जो है ना ये वाला चिकन है, ये चिकन नहीं सॉरी मटन को इसके अंदर डाल दें। वाह वाह ये है हमारे पाए। ये मम्मा क्या है, पाए नहीं क्या लग क्या रहा है? ये चांपे हैं यानी। जो लोग मटन नहीं खाते गाइस सब खाया करो, बहुत मजे का होता है, हेल्दी होता है। मम्मा मैं ऑलरेडी खाती हूँ, मेरा फेवरेट है। ठीक है ना, आवाज खराब है ना? हाँ आपको फ्लू हुआ है। मम्मा बीमार है तो जब मम्मा बीमार हो तो आपको खुद काम करना चाहिए। अब मम्मा इसको क्या करना है, कैमरा बंद करके एनु पोलना। भून के फिर क्या करना है? भून के फिर बताती हूँ। पहले इसको भूनते हैं, चलो फिर बताती हूँ आपको। चलो मम्मा ने कढ़ाई बाहर शिफ्ट कर दी है क्योंकि मम्मा कहती है कि तुम अंदर हो, तुम पता नहीं आग भूख रहे लगा दो, तुम बाहर रहो मेरी नजरों के सामने। मैंने इधर रखा है सामने बैठ के, फिर देखती रहूंगी तुम बनाओ मैं देख रही हूँ। मम्मा आज मेरी जज और मैं जो हूँ आज कंटेस्टेंट हूँ। अभी हमारा गोश्त जो है फुल भून चुका है। मम्मा अब इसमें क्या करना है, पानी डालना है? क्या बाउल कहा था, चावल कितने बाउल है? चावल एक बाउल हो तो पानी एक बाउल। फिर लगाऊंगी फिर जल्दी बताओ कितने बाउल, तू तो अभी से भूल गई है। अगर चावल एक बाउल था तो फिर पानी दो बाउल। हाँ, दो बाउल था बस सही है। अब इसके अंदर हम लोग दो बाउल पानी डालते हैं। तो यार मुझे बहुत पत्ते की बात पता लगी है कि हमने नॉर्मल पानी नहीं डालना, जो हमने मटन की यखनी थी ना वो वाला पानी डालना है ताकि सारे असरात अंदर जाएं। चावलों में कोई मसाला नहीं डाला, कुछ नहीं डाला हमने, सारे मसाले मैंने ना इसमें यखनी में डाला। लेकिन हमने बिरयानी मसाला डाला है वो डाला, लेकिन दूसरा जो दालचीनी और वो नहीं डाला क्योंकि सारा या तो बिरयानी मसाला में, जो सारा असर है ना वो हमें इसके अंदर मिलेगा। असर नहीं मामा, सारे मसाले अंदर पा देते हैं। अच्छा अच्छा समझ आ गई, सब कुछ इसमें डाल दिया ऑलरेडी। अब इसको डालो तो सही देखो ना, आप मामा तो सारे डाल दे यार, सारा असर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। मैं नाप के डालती हूं, नाप के डालो। अच्छा डालो, डालो, मम्मा पकड़ा नहीं जा रहा, गरम है यार मेरे हाथ में कैमरा। ये देखो जो माया है ना वो गरम में पकड़ लेती है। शो मम्मा जी आपको कैसे पता था ये यखनी पूरे दो बाउल की ही है? मम्मा जी एक्सपीरियंस काम आता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि दो बाउल मुझे पता था चावल एक, तो इसमें पानी उतना ही मैंने डाला। आपकी मम्मा ने पांच बच्चे पाले, उन पांचों के लिए काफी था, पुलाव बना चुके हैं मम्मा। मैं ना चलो कभी नहीं पानी डालती, मैं यखनी वाले पानी डालती हूं, इससे असर आता है, इससे यमी बनती है। मेरे हाथ जो डले अंदर इसको चावल डालेंगे ना मलाई नहीं जाने टूट। अच्छा अब हमने इसको यहाँ पे रखने हैं, उसके बाद जब चावल डालेंगे तब आएंगे। तो यार हमारा ये जो है बॉयल हो चुका है, अब हम इसके डालेंगे राइस। सो मैं ऐसे डाल दूँ बस, आप डाल दें सर, सारे काम में मम्मा से करवा दी। लेकिन गाइस ये रेसिपी मेरी है इसलिए मैं सर पे खड़ी हुई। हाँ डाल दें डाले डाले सारे अंदर डाल देंगे, पानी निकला वरना चावल ज्यादा पानी चला जाएगा। हाँ तो यार अब हमने जो है चूरा फुल तेज कर देना ताकि अच्छे से पक जाए। अब हम करते हैं वेट, और ये मुझे मम्मा ने नहीं मैंने खुद बताया अपने आप को, तो इसका हम वेट करते हैं। सो गाइस को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मुझे समझ जा रही मम्मा जी प्लीज जल्दी आना मुझे जरा हेल्प करना, मुझे समझ जा रही इसको मैं क्या करूँ। ओहो मम्मा ने खोल दिया इसको, मम्मा ये अब क्या करें? अभी नहीं मुझे लग रहा खराब कर दिया मैंने, मैंने कहीं खराब तो नहीं कर दिया है? पता चले सबसे गंदे मेरे चावल बने। और दम पता है मैं कैसे देती हूँ? कैसे? पानी होता है दम दे देती हूँ, फिर वो ना वो यम्मी यम्मी बनते, गिले गिले खुश्क। हाँ। नहीं बनते। ठीक है सही है, ऊपर मम्मा ने ये दे दिया है और बस अब दम आ जाएगा। मतलब हम दम दे रहे हैं, वैसे भी टाइम है इफ्तारी में, हम फटाफट से जो है ना वो समोसे पकौड़े और सारी चीजें बाकी बना लेते हैं। अब सबकी तबीयत खराब है, सबको जुकाम लगे हुए, देख लो मेरा हाल तेरे सामने, इसलिए समोसे पकौड़े आज कुछ नहीं, आज सिर्फ फ्रूट खाएंगे और पुलाव बस पुलाव खाएंगे। तो फिर मैं तो बीमार नहीं हूँ ना, मैं तो ठीक हो गई ना। कितना हेल्दी मेरा रोज़ है, मैं दिल चाह रहा खाने का, कितना हेल्दी बनाया हमने। चलो ठीक है, वैसे मेरा पुलाव खाने का ही दिल चाह रहा है सच्ची बात बताऊं तो। यार आज हम लोग हेल्दी इफ्तारी बना रहे हैं, आज पुलाव साथ फ्रूट्स और साथ अच्छी चीजों के ड्रिंक तो बना लेना, जामुन भी तो बना लेते हैं। लेकिन तुमने आज चीजें बना ली ना तो किसी ने फिर ये बहुत कम कर, देखना कैसे सारा चटक खत्म। ठीक है अब हम बनाते हैं कशे जाबे शीरी और फिर सब कुछ सर्व करते हैं। वाह वाह इधर मैं कुकिंग कर रही हूँ और जैनब इधर खेला कूदी कर रही है, शर्म तो नहीं आ रही जैनब? चला के दिखाओ जरा, चलाओ। वाह वाह ओए 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 बच्चे बेटा नहीं अभी तुम ठीक कह रही थी, पहले भी कैमरा कौन सा खराब हुआ, जल्दी करो। 1 2 3 स्टार्ट। गिरी 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 बच गए। चलो अब मेरी बारी है बेटा, देखना मैं कितनी अच्छी चलाती हूं। बहुत गंदी चलाऊंगी, सबा करो जरा। अभी असल खिलाड़ी मैदान में आया और राबा कुकिंग छोड़ के ये काम कर रही है। एक मिनट यहां से आऊंगी मैं। लाइन नंबर 1 1 2 3 राबा कभी भी पांव यहां नहीं रखते। अच्छा भाई हमारी हमारा पुलाव भी बन चुका होगा, उसको जाके देखते हैं। तो यार हमारा पुलाव रेडी हो गया है, याहू मम्मा खोले इसको। बिस्मिल्लाह ध्यान से लगा तो नहीं ध्यान से। ये हमारा पुलाव रेडी हो गया, मैं पहला हाथ लगा दूं इसको।
चलो ये तो बड़ा यम्मी है, चावल तोड़ने नहीं। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा बना है, बस हम डाल के गरम गरम ट्रे में, ठीक है जल्दी सामान रखो थोड़ा। चलो यार अब सारे सर बर्तन वगैरह लगाते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, ड्रिंक्स रखते हैं और इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो गाइस जैसा कि मम्मा ने कहा था कि हमने हेल्दी इफ्तारी करनी है, मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया है और ये भी मैंने प्लेट में डाल के रखी है, सारा मैंने कच्चा गिराया पड़ा है और ये मम्मा ने रेडी किया। ये क्या है? ये है हेल्दी चीज ब्रोकली, ये सलाद में। मम्मा ये मैंने लग रखी है, ब्रोकली कब है? हाँ वही है, मम्मा ने उसको छीला है, ब्रोकली को मम्मा ने गंजा कर दिया। वाह मम्मा, खैर हम डाइनिंग पे रखते हैं जाके सारी चीजें। फिर आप किसी काम से बाहर गई थी, उसको भी बुलाते हैं, फातिमा को भी बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, मिलके इफ्तारी करते हैं। यार ये पता नहीं क्या मम्मा, मेरा दिल बाहर आ गया, मैं डाइनिंग लगा रही थी। मम्मा मैंने नहीं गिराया, आई स्वेयर मैंने नहीं गिराया, मेरा रोजा है, मैं झूठ ही बोलूंगी। ये पता नहीं कैसे एकदम से पड़ा पड़ा गिरा, मैं तो इधर सामान रख रही थी, मैं आपके सामने गाइस यहाँ पे मैं इफ्तारी रख रही थी सब कुछ, और ये एकदम से गिरा, मेरा दिल से इतना डर गया ना, इतनी जोर की आवाज आई, मुझे लगा डाइनिंग गिर गया मेरा सामान रखने से। अभी रापी आते उसको बोला कि ये खुद ही गिरा है, सही नहीं फिक्स किया मम्मा ने, फिर सही फिक्स नहीं किया यार, गिर गया, मुझे डरा दिया ऊपर से। मेरा मिनी सा दिल था वो बेचारा डर गया, आने तो हिरापे को, उसको बताती हूँ जरा। यार पता नहीं इसको उठाना किसने है। मैं तो इफ्तारी के लिए रेडी शेडी हो गई हूँ और मम्मा ने इधर जो है ना मलंगू वाला बनाया है। वाह मम्मा वाह, आज तो सही हेल्दी चीजें बन रही है, तमाम सही किया जा रहा है। मलंगू इसलिए डाला कि बर्फ नहीं डालनी, क्योंकि सब मम्मा ने बर्फ डालनी है यार, मेरा ठीक हो गया, बर्फ डालनी, मुझे बहुत दिल चाह रहा है, प्यास लग रही है यार, इसके अंदर बर्फ डालने जा सकते हाँ ठीक है। यार ये फिर मैं उठाती हूँ इसको, मेहनत लगा के जरा ताकि उठ जाए हमसे, और हिरापी को हम बताते क्योंकि हिरापी ने मंगवाया था। ओह मम्मा ये मुझसे ना 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 मैं ये नहीं कर रही, टूट जाएगा, दो तीन बंदे आएंगे तभी उठेगा ये। वो देखिए उसके अंदर से सारी वो गिरी है अंदर। हाँ सो गाइस ये हीरू भी आ चुके हैं, हिरापी ये देखो ये आपने जो मंगवाया था ना कल, ये गिर गया एकदम से, और मैंने नहीं गिराया क्या इसमें ना वो कम है, इसमें जो हाँ है ना वो कम, और मम्मा ने मुझ पे इल्जाम लगाया, मैं बेचारी इधर बर्तन लगाने आई हूँ और खुद ही गिरा, मेरा दिल बाहर आ गया ऊपर से। दिल बाहर आ गया तो तुम्हारा रोजेदारी बेचारी प्यारी राव्या, चलो कोई नहीं इसको दोबारा सेट कर लेते, इसको उठाओ मुझे उठ नहीं रहा है, इसको मेहनत के बाद में उठा ले, आओ मेरे साथ इसको बाहर निकालो, बिस्मिल्लाह चलो। अच्छा तोड़ा था ज़ैनब, इसके अंदर सार डाल दो, फिर उसमें दोबारा डाल, फट फट अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे इजीली। गाइस चीजें टूट जाती होती हैं, आपको बस जोड़ने का गुण आना चाहिए, गुण गुण डल गया। चलो सो गाइस हमारा पुलाव आ चुका है माशाल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाया। मम्मा आपको यकीन आ रहा है? आपकी हेल्प से बना है, बनाया वैसे राबिया ने, अच्छी कुकिंग कर लेती है तो ये टेस्ट करके जायका पता चल गया। अभी खैर टेस्ट नहीं कर सकती मैं, पता भी गलती से करने लगी थी, रोजा इफ्तार हो जाए फिर आराम से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। नमक परफेक्ट हुआ तो फिर तो ओके, लेकिन मम्मा मिर्चे मैंने आपने मुझे बताई है, मैंने अपनी तरह से कुछ डाला। चलो अब इफ्तारी का टाइम हो लगा, सारा टेबल सेट है, सो वेट करते हैं। सो गाइस सारे इफ्तारी के लिए आके बैठ चुके हैं और यहाँ पे हमने जो है सारा खाने शाने तैयार है। गाइस तुम लोग को यकीन नहीं आएगा कि आज जो है पुलाव मैंने बनाया है अपने इन इन्हीं कीमती हाथों से, खा के सबने टेस्ट करके बताना है कि कैसा बना है, ठीक है ना? कीमती हाथ है मेरे, सबने खा के बताना है क्या टेस्ट है, ठीक है? इवन मैंने भी खुद टेस्ट भी नहीं किया, रोजा के साथ बनाया था, देखा मम्मा यार। तो जी हमने रोजा खोल लिया है, फातिमा पहला बाइट लो, मुझे बताओ कैसी लगी बिरयानी, बिरयानी सॉरी पुलाव, क्या बहुत मजे का सही खा के ही बोली जा रही हो, सही खा के बताओ मुझे, मजे का ये टिमियाटर है। गाइस मैंने खुद टेस्ट किया, मुझे तो बहुत मजे का लगा, अब इनका रिव्यू जानते हैं इनको कैसा लगता है। चलो ये तो बताएगी मम्मा, आप भी खा के बताएं, आखिर आपकी छोटी बेटी ने बताया, लेकिन एक बात बताऊं 50% क्रेडिट मम्मा को जाता है, रेसिपी उनकी थी सारी, मैंने बस हाथ ही लाया। ओह नहीं जी, तो फिर क्या कैसा लगा हिरापी? सो यम्मी, बहुत अच्छा बना है, मैं दिल करे मैं अपने हाथों से सिखाऊं इस तरह। गुड वर्क राबिया, गुड वर्क मम्मी, कैसा लगा फातिमा? बहुत अच्छा, 100 में से 100 मार्क्स दूंगी। ये तो मेरी और मम्मा की काबिलियत है। बस ए छोटी बच्ची कैसा लगा? 100 में से 100, मजा आया फिर? बहुत ज्यादा। हाँ मम्मा आप खा के बताए ना कैसा है, आपने ही वैसे बनाया, कैसा है? परफेक्ट नमक, परफेक्ट, मुझे सिर्फ नमक का डर था लेकिन पूरा आया, पूरा आया, सब यम यम कर रहे हैं। अब आराम से खाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, हेल्दी इफ्तारी हुआ करेगी। आज कोई समोसा पकौड़ा नहीं दिखा हुआ यहाँ पे। सो गाइस सबने खाना शाना खा लिया है, वेरी गुड, अच्छा लगा, पसंद आया, पसंद आया। आप नमाज वमाज पढ़ते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं सोऊंगी। सो गाइस होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।